एक और खबर, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर कालकाजी में बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। एक 71 साल की बुजुर्ग महिला है, वो घर पर अकेली थी और परिवार के सदस्य बाहर गए हुए थे, जिसके बाद जब वो घर लौटे तो बुजुर्ग महिला की हत्या हो चुकी थी। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी है। प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर सीधे जुड़ चुके हैं। सीधे प्रमोद करू करेंगे। प्रमोद, क्या खबर है आपके पास, कौन थी ये महिला और किस पर शक जताया जा रहा है? देखिए, दिल्ली के कालकाजी में जिस तरीके से सीनियर सिटीजन महिला जिनकी उम्र 71 साल बताई जा रही है, हरमीत कौर नाम है, वो अपने घर में अपने परिवार के साथ रहती है, उनका बेटा और बहू है वो साथ रहते थे, वो आज किसी वक्त से बाहर गए हुए थे और उस वक्त उन घर का नौकर था वो 3:30 बजे से 4:30 बजे तक वो अपने सर्वेंट क्वार्टर में था। इसी बीच में कोई बाहर से आया है और उसने गला दबाकर हरमीत कौर की हत्या की है और कुछ लूटपाट करके यहाँ से चले गए हैं। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, वो इस घर का ही एक पुराना नौकर है जिसकी तस्वीरें जो है पड़ोस में लगे हुए CCTV कैमरे में कैद भी हो गई है, उसके बच्चे ने पहचाना भी है। इसलिए भी ये ज़्यादा सेंसेशनल हो जाता है कि पुलिस के बड़े सीनियर ऑफिसर खुद यहाँ पर आए, कई टीमें बनाई है, क्योंकि साउथ दिल्ली के पॉश एरिया में जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, इनके जो दो बेटे हैं उनमें से एक जो है नामी हॉस्पिटल में डॉक्टर है जबकि दूसरा एक प्राइवेट कंपनी में CEO है, और वो घर में अकेली थी और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वो कहीं से बाहर से आई थी, उनके पास कैश था और उसी की बात की जानकारी मिलने के बाद दो लोग आए, क्योंकि पुलिस का कहना है घर में एंट्री जो थी वो बहुत ही फ्रेंडली थी, वो जिस तरीके से आए अंदर वारदात को अंजाम दिया और दरवाजा बंद करके चले गए। उसके बाद जब नौकर 4:30 बजे आया है, उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की है लेकिन अंदर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसके बाद करीब 6 बजे के करीब जब उसने अपने फोन किया है, अपने उसके बेटे घर पे आए हैं, उन्होंने जब चाबी से दरवाजा खोल के अंदर गए तो हरमीत कौर जो है जमीन पर लेटी हुई थी और उनकी गला दबा के हत्या कर दी। उसके बाद पुलिस को फोन किया गया और पुलिस की टीमें आई यहां पर, आई फॉरेंसिक टीम आई, क्राइम सीन को पूरा देखा गया। उसके बाद ये पाया गया कि जो रैंसेक किया गया था घर में, जो लूटपाट की कोशिश की गई थी, ज्वेलरी काफी हद तक बच गई थी लेकिन कुछ कैश है उसे जो कातिल थे वो लेके चले गए। आसपास के CCTV कैमरे को खंगाला गया, कुछ कैश इनके पास था जिसकी जानकारी इस नौकर को थी। क्या पुलिस अब जो है जो मौजूदा नौकर है उनका, बता रहे हैं कि पुराने नौकर को इसकी जानकारी किसी तरीके से लग गई थी जिसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया, क्या पुलिस नए नौकर पर भी शक कर रही है जो अभी वहां मौजूद था, सर्वेंट क्वार्टर में था? देखिए, पुलिस अभी फिलहाल किसी को भी रूल आउट नहीं कर रही है कि किसकी इन्वॉल्वमेंट है किसकी नहीं है। पुलिस सबसे क्वेश्चनिंग कर रही है, पुलिस तो क्योंकि जब CCTV फुटेज में देखा गया तो पुराना नौकर अपने दोस्त के साथ जाता हुआ दिख रहा है, तो उस बात को जो हरमीत कौर है उसके बेटे ने भी पहचाना है कि ये हमारा पुराना नौकर था, क्योंकि जो नया नौकर है उसने वो अपने सर्वेंट रूम में था, काफी बड़ी कोठी है ऊपर जाके सर्वेंट रूम में था, उसके बाद जब उसने आया उसने काफी देर तक, उसी ने इत्तला जो है वो हरमीत कौर के बेटे को फोन करके बताया था कि जो दरवाजा है वो माताजी नहीं खोल रही है। उसके बाद जब उनका बेटा आया उन्होंने दरवाजा खोला, हालांकि लेकिन वो इस वक्त अकेले होंगी, उनके पास कितना कैश होगा, इस पूरी जानकारी जो है नौकर को, पुराने नौकर को कैसे मिली, इस बात को की कड़ियां भी जोड़ी जा रही है। तो इस वक्त पुलिस ने कोई भी रूल आउट नहीं किया है कि किसी के ऊपर भी शक नहीं है, पुलिस इस वक्त हर जो एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल आपका जानकारी के लिए। तो प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी बता रहे थे, दिल्ली के कालकाजी में एक बुजुर्ग महिला की हत्या हुई है। कुल मिलाकर एक बार फिर से दिल्ली में बुजुर्गों की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं।